हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए साइंस के मोस्ट टाइम पी 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। और राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज की थी तो किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो किसने किया? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए है क्या है? ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लिक अम्ल कहा है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक मॉडल दिया था किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की इकाई है तो डीएनए जो है उसकी इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो डीएनए बनाते हैं, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जिन संगठन होता है तो पुरुष का जो जिन का संगठन होता है वो होता है एक्स वाई और स्त्री का होता है एक्स एक्स। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22 प्लस वाई क्रोमोसोम पाता है। क्या पाता है? 22 प्लस वाई। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? तो पिता के क्रोमोसोम यानी एक्स वाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो पैतृकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। किसने की थी? वेंटिंग और वेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है तो किसके द्वारा बनती है? अग्नाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, कौन से अंग में होता है ये? तो फेफड़े में होता है, ठीक है, फेफड़े का रोग है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन का एक उदाहरण है तो पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम परजीवी है तो ये मलेरिया रोग का परजीवी है। मलेरिया रोग का वाहक है तो मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफिलिस मच्छर। जब मादा एनाफिलिस मच्छर काटता है तभी मलेरिया हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है तो मलेरिया रंग में हमारे शरीर का जो प्लीहा जिसको तिल्ली कहते हैं वो अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। जो विटामिन बी और सी है ये दोनों ही जल में घुलनशील है और इसीलिए ये मूत्र में विसर्जित हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान होता है तो क्या होता है? 6 होता है, ठीक है, 6 जो है वो पीएच मान है मूत्र का। याद रखने की ट्रिक है इसकी कि जो मूत्र है उसकी गंदी से स्मेल आती है तो जब कोई बच्चा स्मेल ये मूत्र की स्मेल के पास जाता है तो बोलता है छी छी कितनी गंदी स्मेल है, तो छी छी से याद रखना है 6-6, यानी इसका पीएच मान क्या है? 6 है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम मूत्र के अंदर पाए जाते हैं और इसी वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिनका संश्लेषण किया था तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जिन का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में, और ये वैज्ञानिक हमारे भारत के थे। अगला क्वेश्चन है, मेंढक के हृदय में होते हैं कितने भाग होते हैं मेंढक के हृदय में? तो 3 भाग
और मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं या कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ, ठीक है। मेंढक में 3 और मनुष्य में 4। यहाँ पर मेंढक में वर्ड भी 3 ही है, तो आप इससे याद रख सकते हो कि उसके हार्ट में कितने पार्ट होंगे, तो 3। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। यहाँ पर शरीर के भार के अकॉर्डिंग परसेंट पूछा है, ये याद रखना आपको। तो कितना होगा? 10% लगभग, ठीक है। और अगर टोटल जो परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 70% के अराउंड जल हमारे शरीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में जल होता है, कितना होता है? 65-80%, यानी वही 70 के अराउंड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की थी, तो किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। नेक्स्ट, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से ही गुणसूत्र बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो कितनी होती है? टोटल 46 क्रोमोसोम मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, या तो हम 46 बोले या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्र बोले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई हमारे शरीर की कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र है, जिसको हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचना रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था, सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका वर्ड दिया था। और जो सेल यानी जो कोशिका है उसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? तो डीएनए है। जो कोशिका होती है इसमें न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, और ये क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। जो बच्चे में माता पिता के करेक्टर आते हैं वो डीएनए और आरएनए के द्वारा ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी एनर्जी जनरेट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है, तो जो समसूत्री विभाजन होता है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, वो केवल और केवल कायिक कोशिकाओं में ही होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। जबकि अर्धसूत्री जो विभाजन है वो केवल लिंगी जनन कोशिकाओं में ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आईएमपी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तंभकंद, घनकंद और शल्ककंद तथा प्रकंद, इन सबके उदाहरण बताने हैं। तो जो स्तंभकंद है उसका उदाहरण है आलू, घनकंद है उसका उदाहरण है यहाँ पर बंडा और केसर, शल्ककंद प्याज है, यहाँ पर प्रकंद जो है वो अदरक और हल्दी है। अदरक और हल्दी क्या है? प्रकंद है। शल्ककंद क्या है? प्याज है। घनकंद यहाँ पर बंडा और केसर है। स्तंभकंद आलू है, ठीक है। तो आलू याद रखना आपको, क्या है? स्तंभकंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है,
तो जो हमारा मेरुदंड है यानी कि रीढ़ की हड्डी है उससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? तो 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, सरीपा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग है। तो जो अमरूद है, अंगूर है, सरीपा है या टमाटर है, इनमें खाने योग्य जो भाग है वो क्या है? फल भित्ति है, इनकी फल भित्ति को ही हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग होते हैं। तो इनमें खाने योग्य जो भाग है वो है मध्य फल भित्ति। क्या है? मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी का जो पुष्प क्रम है उसे हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पीले रंग का कारण है। तो हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमिन है। कुरकुमिन नाम का केमिकल पाया जाता है हल्दी के अंदर और इसी कारण से हल्दी का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग का कारण है। तो टमाटर के अंदर लाइकोपिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है और इसके कारण टमाटर का कलर लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक, आलू के खाने योग्य भाग है। तो अदरक और आलू क्या है, इनके खाने योग्य भाग क्या है? तो तना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा को हम लेक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्टोज। और दूध का घनत्व नापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा क्रमी यानी कि वर्म है। तो सबसे लंबा क्रमी जो है वो टेप वर्म है। कौन सा है? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके ऊपर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। याद रखना हमें कि दूध से अगर मक्खन निकाल लें तो उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 4 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल रंग है। तो मूल रंग कौन कौन से है? नीला, लाल और हरा, जिनको हम शॉर्ट में RGB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RGB, यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण होता है तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए तीनों घटनाओं का एक साथ होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं। तो सभी को पता है 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, याद रखना आपको, बीच का जो रंग है वो हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तो उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा। कोई कलर किस रंग का है यह किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो किसकी होती है? कौन सी किरणों की? तो गामा किरणों की। जो गामा किरण है उनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, परामैंगनी किरणों की खोज की थी। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिनसे हमारी ओजोन लेयर को नुकसान होता है, या अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन्स है उनको ओजोन लेयर हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है, उनकी खोज रीटर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? रीटर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। तो जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के लगभग 50 के अराउंड क्वेश्चंस।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।